गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर हियर टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 6 बायोडाइवर्सिटी। सो द टॉपिक इज़ फॉरेस्ट रिजर्व्स। जो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं रिजर्व करने के लिए, उसमें से कुछ स्टेप्स हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं कि किस तरीके से हमने जो वाइल्ड लाइफ है उसको कैसे रिजर्व किया है, उन्हें कैसे सेव किया है। वाइल्ड लाइफ हो गई या फिर फॉरेस्ट हो गए, इन सबको। दीज आर लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट कवर विच आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन एक्सप्लोइटेशन। जो लोग बर्बाद करते हैं, कटिंग करती हैं पेड़ों की अपने फर्नीचर्स के लिए, अपनी नीड्स के लिए, तो उससे बचाने के लिए फॉरेस्ट को रिजर्व किया गया है। स्ट्रिक्ट लॉज हैं कुछ, वो दिए गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड टू प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट रिजर्व। फॉलिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। मतलब पेड़ों का कटान जो है वो लार्ज स्केल पे जो किया जाता है उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन को मना करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉ भी हैं। एंड दस फॉरेस्ट रिजर्व्स हैव बीन एस्टेब्लिश विद एन एम एट सर्विंग द फॉलोइंग पर्पस। जो जो एम है इनको फॉरेस्ट को रिजर्व करने का, ये क्या है? प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। एक तो डिफॉरेस्टेशन पर से बचाया जा सके हमारे फॉरेस्ट को। रिप्लेनिशमेंट ऑफ लॉस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एफॉरेस्टेशन। अब हम एफॉरेस्टेशन क्या मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांट्स को लगाएं, रिप्लेनिशमेंट करें जो फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गए हैं उनका फिर से। प्रोटेक्शन ऑफ फूड एंड शेल्टर मीन फॉर वाइल्ड लाइफ। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एनिमल इज कॉल्ड हैबिटाट। और फिर जो फॉरेस्ट है ये बहुत सारे एनिमल्स का हैबिटाट है, तो हमें इसे सेव करने के लिए हमें क्या सेव करना है, हमें फॉरेस्ट को सेव करना ही पड़ेगा। यस, तभी हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो सेव हो सकती है, मतलब जो बाकी के एनिमल्स हैं वो सेव हो सकते हैं तभी जब हम फॉरेस्ट उनका सेव रखेंगे। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो होती हैं जो वाइल्ड एनिमल्स को रहने के लिए सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है। सेंचुरीज आर प्लेसेस वेयर किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यहाँ पे जो है इनको प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है, निषेध हिंदी में लिखा है, इसका मीनिंग होता है पर्टिकुलर निषेध, मतलब मना है कम्प्लीटली। इस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मना होता है इन सेंचुरीज में कि किलिंग करना या फिर कैप्चर करना एनिमल्स को। कुछ थ्रेटन वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि ब्लैक बक हो गया, वाइट आइड बक हो गया, एलिफेंट, टाइगर, गोल्डन कैट हो गई, पिंक हेडेड डक हो गया, मार्श क्रोकोडाइल हो गया, पाइथन हो गया, रिनोसिरोस, ये सब प्रोटेक्ट हैं एंड प्रिजर्व हैं इन आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। मतलब उन्हें उन्हीं के नेचुरल जो हैबिटेट जहाँ वो रह रहे हैं उन्हें वहीं पर एक तरह से सिक्योर कर दिया गया है ताकि उन्हें कोई किलिंग ना करे। इसके लिए बहुत सारे लॉज भी हैं और बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ के वो होते हैं ऑफिसर्स, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स भी होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं इन जंगल्स को ताकि कोई यहाँ पर आकर किलिंग ना करे एनिमल्स की। नेशनल पार्क्स भी हैं। नेशनल पार्क्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। नेशनल पार्क में हम होल सेट ऑफ इकोसिस्टम, मतलब उसमें हम फ्लोरा फौना दोनों को ही प्रिजर्व करते हैं। दे प्रिजर्व फ्लोरा एंड फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। वहाँ पर कोई हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट हो उसे भी सेव करते हैं। सतपुरा नेशनल पार्क जो है इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। द फाइनेस्ट इंडिया टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। जो टीक का पेड़ है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द सतपुरा नेशनल पार्क। रॉक शेल्टर्स भी पाए जाते हैं। दीज आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स। ये जो हैं रॉक शेल्टर से ही पता चलता है, मतलब रॉक के शेल्टर्स हैं जहाँ पर लोग रहते होंगे, इससे ही पता चलता है कि पुराने टाइम में यहाँ पर ह्यूमन बींग्स रहते होंगे। तो दीज गिव्स अस आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। ये जो हैं यहाँ पर जो हमें प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ के जो एविडेंस मिलते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर प्रिमिटिव लोग जो थे वो रहते थे। रॉक पेंटिंग भी पाई गई है वहाँ पर इन शेल्टर्स के अंदर। अबाउट 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। जो है वहाँ पे 55 रॉक शेल्टर्स पाए गए हैं। तो काफ़ी तादाद में लोग पहले जंगलों में रहते थे पुराने टाइम में। फिर उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया है। ये क्यों है? प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। क्योंकि कंट्री में टाइगर की बहुत ज़्यादा किलिंग हो रही है, बहुत सारे भी रीज़न है जिनकी वजह से टाइगर जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया गया है। द ऑब्जेक्टिव जो है इस प्रोजेक्ट का वाज टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। ताकि कंट्री में हमारी इनकी पॉपुलेशन जो है इनका सर्वाइवल रह सके। अगर इनका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा एनिमल्स का, तो फिर हम आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ेंगे, क्या उनको दिखाएंगे कि हाँ
किस तरह के हमारे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है। तो हमारा ये कर्तव्य है एक तरह से कि हमें इन्हें सेव रखना है हर तरीके से। टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीशीज विच आर स्लोली, टाइगर जो है उन सब स्पीशीज में से एक स्पीशीज है जो स्लोली जो है डिसअपेयरिंग हो रही है हमारे फॉरेस्ट से। बट सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है यूनिक है इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज़ बी हैज सीन हीयर। यहाँ पर जो है सतपुरा टाइगर रिजर्व में देखा गया है कि मतलब वहाँ पर टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। देयर वॉज टाइम वेन द एनिमल्स लाइक लॉयंस एलिफेंट वाइल्ड बफेलोज एंड बारासिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। एक टाइम में यहाँ पर ये बाकी के एनिमल्स भी पाए जाते थे। एनिमल हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन ऑल्स आर नोन एज द एंडेंजर्ड एनिमल्स। देखिए गाइस, एक्सटिंक्ट तो वो एनिमल्स होते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही, जिनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा है अर्थ पर। लेकिन जो एंडेंजर्ड है, जो डेंजर में है, जो एक्सटिंक्शन की ओर है कि वो ख़त्म हो सकते हैं, उनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो इस तरह के एनिमल्स को रिजर्व करने की रिजर्व किया जाता है, रिजर्व करने की ज़रूरत भी है, ठीक है, ताकि उनके जो एग्जिस्टेंस है वो बचा रहे। डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लॉन्ग टाइम अगो। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। एक्चुअल में देखिए होता है क्या स्टूडेंट्स, कि जो एनिमल्स होते हैं उनका जो लिविंग स्टाइल है या फिर उनका जो नेचुरल हैबिटेट जहाँ वो रह रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। अगर वो टाइम के साथ, इवोल्यूशन के साथ वो चेंज हो जाए तो उनको रहने में डिफ़िकल्टी होती है। इसीलिए जब वो डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की हो जाती है तो धीरे 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 ये इस तरह की स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए डायनासोर भी जो है, जो उनका हैबिटेट था वो चेंज हो गया, उनके सूटेबल नहीं रहा, तो धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो गए। रेड डेटा बुक, इट इज़ अ सोर्स ऑफ बुक विच गिव्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो प्लांट्स और एनिमल्स जो एंडेंजर्ड है, जो ख़तरे में हैं, जो विलुप्त हो सकते हैं, उन्हें इस बुक में जो है वो रिजर्व किया गया है, ठीक है। ये मैप है इंडिया का शोइंग सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सम नेशनल पार्क। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क इसमें दिए गए हैं। देखिए चिल्का लेक नेशनल पार्क है, सुंदरबन है, काजीरंगा, मानस है, दुधवा टाइगर रिजर्व है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, ग्रेट हिमालयाज है, ठीक है, कॉर्बेट है, तो ये रणथंभौर है, बहुत सारे हैं। ये कान्हा नेशनल पार्क भी है, पौंछ भी है, गिर भी है, तो ये सारे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी गई हैं, कुछ पार्क भी हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे दी गई है, जैसे पेरियार है, ये किस स्पीशीज़ की केयर करती है, एलिफेंट्स की करती है, ठीक है। गाइड माता टर्टल सेंचुरी जो है ये क्या करती है, जायंट ऑलिव राइडली टर्टल जो हैं उनकी करती है। मतलब सभी जो है अलग अलग उसके लिए बनाए गए हैं, अलग अलग स्पीशीज़ की केयर करते हैं। जैसे गिर जो है गुजरात में, ये एशियाटिक लॉयन की केयर करता है। काजीरंगा जो है वो इंडियन रिनोसेरॉस की करता है, ठीक है। मानग्रोव फॉरेस्ट जो है ये रॉयल बंगाल टाइगर, मतलब सभी अलग अलग स्पीशीज़ की केयर करने के लिए ये नेशनल पार्क या नेशनल रिजर्व बनाए गए हैं। अब देखिए एक न्यू टर्म से यहाँ पर आपके सामने, माइग्रेशन, द मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है, या फॉर द ब्रीडिंग सीजन या अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए। तो जो माइग्रेशन होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर होता है, या तो फूड की सर्च में हो जाए या फिर वो ब्रीडिंग के लिए हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग होता है अलग अलग जगहों का अलग सेम टाइम में। तो उसकी वजह से भी कि अगर किसी को, आपने देखा होगा यहाँ बहुत सारी बर्ड्स दूसरी जगह से उड़ के आती हैं, कुछ टाइम के लिए दिखाई देती है, फिर वो वापस चल जाती है। तो माइग्रेट होकर आती हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से। तो माइग्रेशन क्या है, एक तरह से पलायन समझिए आप एनिमल्स का। यूजुअली माइग्रेशन स्पीशीज़ गो टू अ डिफरेंट लैंड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड देन ट्रेवल बैक टू देयर एंडेमिक लैंड। क्या करती हैं, जो स्पीशीज़ होती हैं कुछ ही पर्टिकुलर टाइम के लिए ही जाती हैं और फिर वापस अपने प्लेस पर आ जाती हैं। ये साइबेरियन क्रेन है, ये एंडेमिक है टू साइबेरिया है। साइबेरियन क्रेन ट्रेवल करती है लार्ज डिस्टेंस एंड कम टू इंडिया इन ग्रुप ड्यूरिंग विंटर टू एस्केप द कोल्ड अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ साइबेरिया। साइबेरिया जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, जिससे बचने के लिए ये जो है साइबेरिया, ये साइबेरियन क्रेन ये आती है इंडिया में विंटर के टाइम में, क्योंकि विंटर में यहाँ का इतना नहीं रहता लेकिन वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। माइग्रेशन में भी सीजनल और फॉर द सीजन्स सच एज ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन। ये मैंने आपको अभी बात बताई, माइग्रेशन जो है वो तो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, ब्रीडिंग की वजह से हो सकता है, रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। सीजनल माइग्रेशन जो होता है
अकर इन मैनी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स में भी पाया जाता है, बर्ड्स में, मरीन मैमल्स में और हर्बीवोर्स मैमल्स में भी। माइग्रेशन ऑफन प्रोवाइड्स द माइग्रेटिंग स्पीशीज विद मोर फेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, फूड एंड वाटर। ये सब चीज़ें अच्छे से फेवरेबल कंडीशन में प्रोवाइड करवाती हैं। फूड और शेल्टर की कमी हो जाती है तब भी ये माइग्रेट करते हैं। तो ये बहुत सारे रीजन से माइग्रेशन करने के। बाकी आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।